साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। और आज जो है भाई, मैं प्रैक्टिकल ले गया हूँ रियाजी यानी मैथ का, सेकेंडरी कोर्स NIOS 211, ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ। प्रैक्टिकल उर्दू में बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। वैसे मैंने डाल भी रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई बुक से भी डाल दूँ। कभी बहुत से लोग कहते हैं बुक में ऐसा है वैसा, तो इसको आप बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बता दूंगा। सबसे पहला काम है आपको ये मशमूलात लिखनी है, फहरिस्त नंबर शुमार, फिर सरगर्मियों की फहरिस्त लिखनी है, नंबर नहीं डालना, ठीक है। सारी ये सब चीज़ें आपको ऐसी उतारनी, पूरी उतारनी है 30, ठीक है, पूरी उतारनी होती है। और जो आपके टीचर हैं उनसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। सरगर्मी नंबर एक है कि उनवान, समासला ये सब दे रखा है कि तस्दीक करनी है, तो इसकी तस्दीक के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बना लीजिएगा, ठीक है भाई। और इसके बाद है सरगर्मी कैसे करनी है, सरगर्मी की तैयारी, मुजाहरा और इस्तेमाल सब दे रखा है, सब लिखना, नतीजा। इसके बाद है सरगर्मी नंबर दो, इसमें है उनवान है समासला एमाइन तस्दीक करनी है, करिएगा यहाँ पे इस तरह बना लीजिएगा। और इसके बाद अगले पेज पे ये सारी आप डाल लीजिएगा। इसके बाद सरगर्मी थ्री है, सरगर्मी थ्री के अंदर उनवान समासला इसकी तस्दीक करनी है इस फॉर्मूले की, और कैसे कैसे करना है सब दे रखा है, ठीक है जी। और आप ये करिएगा, तैयारी कैसी है सब लिखिएगा, ठीक है, नतीजा भी है। इसके बाद सरगर्मी नंबर चार है समासला उनवान इसकी तस्दीक करनी है, इसको बनाने का प्रोसेस मैंने दे दिया है आपको, आप इससे तैयार कर लीजिएगा। मिलेगी नहीं भाई ये कहीं, ये तो हम बस नसीब है आपका, ये बनी बनाई मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं उर्दू में तो ख़ास तौर से नहीं मिलती, ये नसीब है आपका ये मिल गई। तो भाई वीडियो वगैरह को लाइक कर दिया करो, इतनी आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। सरगर्मी पाँच है तकसीम के तरीके से दो आदात का SCF मालूम करना, यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है सब कैसे करेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे बना दीजिएगा, ऐसे सारा ही करना होता है इसमें, एक दो आप एग्ज़ाम्पल लिख भी सकते हैं, कुछ छोड़ थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादातर करेंगे। इसके बाद सरगर्मी नंबर छः, उनवान है मुआदिल कसरे, मुआदिल कसरे, ठीक है, कसरों का तसव्वुर ये सब आप लिखिएगा, ठीक है भाई। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, ये सब करेंगे, मुजाहरा और ये सब नीचे लिखा हुआ है। अगले पेज पे भी अगर ये करना चाहे तो कर लीजिएगा, वरना इस वाले पेज को छोड़ दीजिएगा। सरगर्मी साथ है, ये साबित करोगे दो मुतगैरों वाली खतें मसावात की लामतना ही हल होता है, ठीक है, ये आप यहाँ से उतार लीजिएगा यहाँ से सारा, और ये लाइन इसी तरह बनानी है भाई, आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद जो है सरगर्मी आठ शुरू हो जाएगी, दो मुतगैरों वाली खतम उसाज के निज़ाम को अहम आहंग होने की शर्त मालूम करें, यहाँ से आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद ये है, ये करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगले पेज पे ये पूरा बनाइएगा बढ़िया से, ये चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, अगर उतारना चाह रहे हैं तो उतार लीजिएगा, ठीक है जी। रिमार्क कर दीजिएगा, ये सरगर्मी नंबर 9, दो दर्जी मसावात के जज़र और ज़रीब के दरमियान रिश्ते की तरकीब करिए, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है जी। उर्दू में मैथ वाकई जो है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा ही नहीं उर्दू में, इंग्लिश में पढ़ा था, इसलिए उर्दू की मैथ जो है मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, जैसे टाइम निकाल के थोड़ा सा पहले ये मेन मेन चीज़ें बना लूँ आपके लिए, तो उर्दू की वीडियो मैथ में भी उर्दू पढ़ाऊँ। सरगर्मी है, सरगर्मी फिर उसके बाद ये और ये इस तरह से, उसके बाद सरगर्मी नंबर 11, इस बात की तस्दीक करें, कर दिए गए तसलसल हिसाबी फसाद ये भी है, ठीक है जी।
मुजाहरा और इस्तेमाल सब लिखा हुआ है। सरगर्मी 12, पहले एन ताप फितरी अदद का हासिल जमा मालूम करें। सरगर्मी 13, पहली एन फितरी आदात को हासिल जमा हासिल करें। सरगर्मी ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बना रहा हूँ भाई मैं, देखो कितनी तेज़ी से 14 पे पहुँच गया, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी वीडियो, 10 मिनट से ज़्यादा ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है भाई इस आपको बनाना है, मेहनत करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से पूरा हो, आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। ये सारा लिखिएगा, सरगर्मी 15, साइंस से तो छोटा ही है। ये साबित करेंगे मुसल्लस की 3 रजावियों का हासिल जमा 180 होता है, आसान है कर सकते, ट्राइंगल का समय 180 बना हुआ है, ये उतारना होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है भाई, ये साबित करें मुसल्लस के मसाबिज के मकाबिल जाविया मसावी होते हैं। चल बना दिए भाई, सारा लिख दिया। सरगर्मी नंबर 17 है, वस्ती नुक्ता मसले को तस्दीक करिए। सरगर्मी 18, बुनियादी तनासिबत के मसले को तस्दीक करें। मौके साहब के मालूम मतलूबा ये फैशन और इसकी मसले की तस्दीक करें। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, शायद ये रोमबस इस तरह आप देख सकते हैं, आपके लिए तैयार करे चले जा रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि आप जहाँ जहाँ से भारत में हैं आप लोगों को मुश्किल से किताबें मिल पाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पढ़े हों, हमारा देश भी तरक्की करे, आप लोग भी आगे बढ़ें। सरगर्मी 20, इस बात की तस्दीक करना कि दो मुशाव मसलों के रकबों की नस्बत इन मसलों की नज़ीर अज़ला के मुरब्बों की नस्बत के मसाले NIS के ज़रिए बनाया गया है, बहुत अच्छा। सरगर्मी 21, दायरे उनवान है, दायरे का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है जी, दायरे का रकबा यहाँ पर आप देखेंगे, सारा ऐसी बना लीजिएगा। सरगर्मी 22, उनवान ही ज़ाहिर करेंगे, दायरा 4 ज़िले के मुकाबले ज़ाविया तकमील होता है, यानी उसका हासिल जमा 180 होता है। सरगर्मी 23, इस बात की तस्दीक करेंगे करना के मुवासिल दायरों की वितर मरकज पर मसावी जारी होता है, मुतवक्को ये सब करिएगा, ऐसी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सरगर्मी 24, मुनारिफ का रकबा मालूम करें, सवाल कर दीजिएगा। इसके बाद है 25 सरगर्मी, काप का कुल सतह मालूम करिए। ये हमने 5th क्लास में पढ़े हैं क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पे देखिए 10वीं तक मारे, लेवल बहुत पढ़ाई का वो हो गया। सरगर्मी 26, दायरे के सेक्टर का रकबा फार्मूला इस्तेमाल करके मखरूज के खमीदा सतह का रकबा फार्मूला मालूम करें, ये सब आप लिख लिया। सरगर्मी 27, यकसा नस्ब फितर और यकसा ऊंचाई वाले खाने दायरा मखरूज मखरूज दायरा इस्तेमाल इसमें कुदरत और हजमों के माबेन ताल्लुक
मालूम करें। ये आपके लिए बनाया है मैंने। सरगर्मी 28 समासिल, इसको साबित करना है। ये लिखा हुआ ये बना दिएगा, 28 हो गया 29 सरगर्मी। एक ऐसा मुसलस की तश्कील करना जिसका रकबा मतवाजी मिला के रकबे के मसाजी है। यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है जी। ये आपके लिए बना दिया मैंने और बड़ी इसमें मेहनत लगती है। सरगर्मी 30 मुख्तलिफ मसलों का दाखिली मरकज़ मालूम करें। तो ये सब आप इसके अंदर लिख दीजिएगा और ये इसके अंदर, और यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल मैथ में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको ये प्रैक्टिकल की बुक चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9136183222। PDF भी चाहिए वो भी मिल जाएगी 50 रुपीज़ की। और अगर आपको बुक ही चाहिए तो वो भी हम दे देंगे। बुक जो है आपको यही नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी जो है आपकी फ़ोटो कॉपी हो जाएगी, उसके चार्ज ले लेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।